नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में अलीगंज के पास गुरुद्वारा साहिब दरबार में गुरु नानक देव की 553वीं प्रकाश पर्व के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुद्वारा फूलों और जगमग लाइटों से सजाया गया। आपको बता दें कि अमृतसर दरबार से आए रविंदरजीत सिंह ने बताया कि इस दिन सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख समुदाय के लोग प्रभात फेरी निकालते हैं, गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। साथ ही चारों ओर दीप जलाकर रोशनी की जाती है। इसके बाद कार्यक्रम में IHM कॉलेज के छात्रों ने लंगर की भी व्यवस्था की। यहाँ पे गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव के संबंध में आज कीर्तन दरबार कराया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कीर्तन दरबार के इंद्रजीत सिंह जी रागी हजूरी रागी कीर्तन कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी इसके बाद अरदास होगी, लंगर भी आज चलाया जाएगा। कल जो 13 तारीख है, यहाँ पे गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहब का जो अखंड पाठ साहब रखा है उसका भोग होगा, उसके बाद कीर्तन हो गया, कथा होगी एंड उसके साथ ही कीर्तन दरबार भी होगा। हम लोग यहाँ पे गुरु नानक जयंती के महोत्सव पर यहाँ पे इस लंगर की सेवा कराते हैं हर साल IHM लखनऊ के तरफ से, और इसी साल भी हम लोग इसी दिन उपस्थित हुए हैं। और हमने यहाँ पे सब पूरे IHM के जितने भी छात्र सब मिलके डोनेशन इकट्ठा करते हैं, हम लोग सारा सामान लेके आते हैं और यहाँ पे लोगों को सेवा करवाते हैं। हम लोग IHM लखनऊ से हैं, हम हर साल लंगर करवाते हैं यहाँ अलीगंज गुरु बारे में। किस तरह की सेवा करते हैं आप यहाँ पे? हम लोग सारे लोगों को खिलाते हैं, जिनके पास उतना पैसा हो नहीं हो। आप लोगों का ग्रुप कितने लोगों का ग्रुप है, कितने बच्चे साथ में आपके? हम लोग 350 लोगों का ग्रुप है हमारा। थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में भी 350 300 हैं, फर्स्ट ईयर